राधा दीदी कहाँ जा रहे हो? मरने चलने साथ में। नहीं दीदी मैं नहीं जा रहा आपके साथ में। बाय दीदी, सेफ जर्नी दीदी। अरे अबे एनिमल एरिया पीछे भेजे, इस वाले एरिया में टॉप फोर से लड़ रहे हैं सारे। भाभी इसके ना पीछे से फटकी देखो। हाँ यार भाई, गंदा सींग लगा ना इसका। चल मेरे ऊपर मत छोड़ दे। नहीं नहीं ये मारती है। ये नहीं मारती भाई, कुछ नहीं करती है। डॉक्टर साहब को बुला के एक बार करवा लें। डॉक्टर साहब अभी ना बहुत भीषण युद्ध हुआ था इसका और विपिन का, चेक कर लेना। हड्डी बड्डी ना टूट गई कोई ज्यादा तो नहीं ना सर। लड़की करने कहाँ देती है? She's a very good cow, good tofu. देखो फिर वहीं जा रही है सर ये। तू बंद है। तेरी बदला लूंगी विपिन से। अब आज के इधर ही बैठ जाता सोके। ट्रैकर को रेस्क्यू करके लाए थे ना जो? हाँ हाँ। तो वो उसको अडॉप्ट कर गया है ना, वो ठीक हो गया? आ गया आपका ट्रैकर? चल भी रहा है तो थोड़ा सा, लेकिन सेंसेशन का इशू रहता है, उसी के लिए मसाज करना। ट्रैक रू जा रहा बेटे, याद नहीं करेगा मैं आपको? पता है इसकी टांग एम्प्यूट होने वाली थी। हाँ, सिर्फ राधा दीदी बचा पाई थी। दोनों पैर ही एम्प्यूटेशन की स्थिति में, एक पैर को तो एम्प्यूट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो रिकवर नहीं हो सकता, और जो दूसरा पैर है उसको फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि जो पंजा है वो तक के डिस्टर्ब है पूरा ना। राधा दीदी यही बोला था, जिद पे अटकी थी कि टांग नहीं कटने दूंगी कुछ भी हो जाए। याद है दीदी आपको, आप सबसे लड़ गए थे? नहीं नहीं याद है, अरे नहीं दीदी रोना मत। ये विकी। हाय डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आज प्रेम में आके? किसमें आके? प्रेम में आके। अरे वैसे तो कैमरे के पीछे छुपते हो हमेशा, आज क्या लग रहा है आपको? हाँ क्या बताऊँ सर, मीडिया की जिंदगी ऐसी है, कैमरे के पीछे गुजर जाती है। कैमरे के आगे तो कलाकार रहते हैं आपके जैसे, जिनके हाथों में कला होती है। नहीं पर ये कला तो आप लोगों को दूर दूर तक पहुँचा रहे हो, तो वो भी तो एक कला ही है। हाँ पर आपके पास जो कला है वो हमारे पास नहीं है ना, आप जान बचाते हो दुनिया, हम तो बस दिखाते हैं, हम तो जरिया हैं, मंजिल तो आप ही हो ना। सिम्बा है ना? हाँ जी। ऐसा जो ठीक हो गई है, इसकी रिकवरी बेची चल रही है। तब ये पायरेट बन गया ना? यस। ये इसकी एक आँख पे मुंह लगाएंगे जैसे उनके पे होता है जिनके एक आँख नहीं होती? नहीं वैसे पट्टा नहीं सा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे पैच। चल भाई हमने यहाँ पर इन जानवरों को क्यों छोड़ा है? प्ले एरिया नहीं, कुत्तों के खेलने का एरिया, तो घास ज्यादा हो गया तो काटने से अच्छा है इनको छोड़ दो, ये पूरा साफ कर देंगे। ठीक है, तो हम घास बचाने के लिए कर रहे हैं? बचाने के लिए नहीं, ये काटना ही है, वैसे भी घास काट के इनको ही देना है। अच्छा अच्छा, तो क्यों बंदे की मेहनत बर्बाद करनी, इनको ही डेल दो। ओ स्मार्ट डिसीजन भाई। पिछले कुछ व्लॉग्स में कमेंट्स आए थे कि रेजिडेंट एनिमल से मिलवाइए, तो कुछ से तो हमने आपको मिलवा दिया, और कुछ और से मिलवाना अभी बाकी है जिसमें से कुछ शांत हैं और कुछ अशांत। अब इसके अलावा अगर आप किसी खास रेजिडेंट एनिमल से मिलना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगले ब्लॉग में जिसका भी नाम सबसे ज्यादा आया होगा उससे हम आपको मिलवा देंगे। और शिखर जी ये कॉमेंट्स काउंट करेंगे, लेकिन ये तभी करेंगे जब कितने कितने लाइक्स अगर हमारे इस वीडियो पे आए तो तुम कमेंट्स बैठ के काउंट करोगे कि बेटी जी टोफू टोफू टोफू। तो मेरी चाहत है कि कम से कम चाहत रियलिस्टिक चाहत है 5000+। ठीक है 5000+ हमें लाइक्स चाहिए अगर आपने रेजिडेंट एनिमल किसी खास को देखना है। पीछे जो पपीज नहीं आ रखे वो रो रहे हैं। इनमें भी ना तो ब्राउन वाले पपी हैं, बहुत शैतान है। हाँ आपस में लड़ते मरते रहते हैं यार। हाँ ध्यान से, नहीं इनसे तो डर लगता है पैरों के नीचे। अरे 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 ओ फंस गया एक बेचारा, ओ फंस गया। ओए लो लो लो, तो लकड़ी लगाई है ताकि तुम लोग उधर मत जाओ। तो भाई ये देखना देखना देखना, हटो हटो चलो, मैं टोपू से मिलने आया हूँ। वो एक बैठा,
शैतान हो तुम यार सारे, हटो चुप। विक्की तुम जल्दी आओ, ये आ जाएंगे इधर, फिर यार गाय बैल के पैर के नीचे। अब तुम्हारा भला। ए टोफू मेरा बच्चा, फिर लड़ रही है। टोफू नहीं लड़ती, टोफू अपने आप को बचाती है। अरे 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 टोफू आ, ये कह रहा है चोट लगी है तेरे पीछे, स्क्रैच आ रहा है। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे, पिल्ले भी अंदर आ गए सर। ओए सर 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 देखो सर, एक पिल्ला हो रहा है भैया। हेलो बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट अरे यार वो देखो वो देखो वो देखो। ओके मैं नाश्ता करूंगा, उसके बाद हम उससे जाएंगे। चार्ली से मिलने, चार्ली को देना है मैंने, तुम सब तो रोज खाते हो। चार्ली यहाँ पे कुछ दिन का मेहमान है, बिकॉज ये सैंक्चुरी जाएगा, ये मतलब है मेरा चार्ली। सॉरी गलत मतलब बंद कर लियो तुम, क्योंकि वैसी तबीयत खराब चल रही है। ब्लॉग में अगेन लोग कह रहे थे रेजिडेंट से मिलवाना है, येरी बेटी जी परफेक्टली हेल्दी मीमी ज्योति। ये कौन है, ये कौन है? हाँ कुछ तो बड़ा है ना, क्योंकि जब ये आई थी ये प्रेग्नेंट है क्या? होना तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि हमें ये पता था कि ये इसके बच्चे हो चुके हैं कितने ना। मैं पता करती हूँ, यहाँ पर कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो गया एक हंड वाले हिस्से में, फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की। अभी हमारा ये प्लान था कि हम कल उसको स्पेस सर्जरी के लिए रखेंगे, लेकिन फिर अचानक से जो गली है वो स्वोलन दिखने लगा। आज हमने जब डॉक्टर निशा के साथ इवैल्यूएशन रखी तो हाँ लाइक सारे साइंस को लिंक करते हुए फिर हाँ डॉग इज प्रेग्नेंट। तो अभी हम कल उसकी सर्जरी करेंगे, स्पेस सर्जरी। जग्गू जिसको हमने यहाँ से रिलीज किया था कुछ हफ्तों पहले है ना, उसको वापस से रिलैप्स हो गया ट्यूमर ना। हमने कोशिश की थी कि जो ओरल मेडिकेशन से कुछ हफ्ते पहले की उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर शुरू कर दे, जगह नहीं थी तो, लेकिन डॉग बिल्कुल भी मेडिसिन ले नहीं रहा ना। नीचे मंदिर है ना, उधर जाएगा। आ जाओ बस बस, खाली बुरी हाल है इसी का। चल इसको हम मेडिसिन भी दे रहे थे, फिर वो खा नहीं रहा था ना अच्छी तरह से, फिर खाना भी इसने कम कर दिया है। चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है ना। बस बस कितने टाइम से हुआ है इसको? ये 5-6 महीने से ज्यादा हो गया है। पहले तो काफी एक्टिव होता है ये, अब सुस्ती रहता है, बैठे रहता है एक जगह। बहुत बुरी कंडीशन में हो गई यार इसकी आंखें, तो कुछ और ही लग रहा है मेरे को। आंखें देखो इसकी आंखों में, तो मुझे लग रहा है कि दिख भी नहीं रहा है बेचारे को, क्या है इसको बाहर, इसको मत उतारना अभी ना। आंखें लाल है, आंखें नीली है, इसको ICH हो सकता है, बंद कर दो अभी। सुधांशु टच मत करना किसी डॉग को ना। रविंदर जी आप भी। ओए जाकू ओ फ्रेंडली है यो। टीवी बहुत बड़ा है, आपको पता कि TVTB अंदर है ना, नेजल आई शायद मुंह का अंदर। ट्विस्टेड जो है उसको हमने आइसोलेट कर रखा है, उसको कॉफिंग नोटिस की गई है, उसको फीवर भी था कल, तो हमने उसको आइसोलेट कर रखा है अभी, बिकॉज कि नींबू एस कैनल में रह रहा था जहाँ पर ट्विस्टेड भी था। तो हम उसको 1 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड रखेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन हम रखेंगे डॉग को। तो नींबू की बैक स्टोरी बता दो लोगों को, याद नहीं। हाँ नींबू वही जैसे हमने धनोटू से रेस्क्यू किया था, और उसको स्किन कंडीशन थी। 1 महीने में उसका जो स्किन प्रॉब्लम था वो तो खत्म हो गया, हेयर ग्रोथ हो रही है, अभी उसके एडॉप्शन पोस्ट भी जा चुकी है। मूली को आज सेकेंड हाफ में बाहर निकालेंगे, मैं वॉक पे ले जाऊंगा सेकेंड हाफ में। ठीक है सर, ठीक है मूली को मैं ले जाऊंगा। ये देखो कैसे पड़े हुए हैं सब, आराम से सब हो जाएंगे एडजस्ट। फिर हमारे टोटल 5 अपने रेजिडेंट हो जाएंगे, रेजिडेंट रेस्क्यूज, और ये हमारे 2-3 बाहर स्ट्रे पेट्स हैं, सब सुबह वॉक पे जाते हैं। तुमने जाना भी नहीं था चंबी, इधर आ मोटू। मेरा प्लान तो था सिर्फ स्पॉट और ये मूली, पर ये भी भाई साहब तैयार हो गए हैं। आए मूली आज तो शाम को बाहर, चल मूली चलो। ओके ओ तू
कहाँ जा रही है? अरे यार, जिसको बाहर लेके जाना है वो अंदर रहना चाहती है। चल चिडोरी, तुम नहीं रहे, तुम दोनों आपस में खेलो। पांच बच्चे आए थे ना हमारे पास, एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, जो सबसे छोटा बच्चा था लेटर का, उसने शायद कुछ पॉइजनस खा लिया था। और अभी ये हमारा सेकंड किड है जो अडॉप्ट होके घर जा रहा है, और जिस घर में जा रहा है उन्होंने पहले हमसे एक पपी अडॉप्ट किया था। हेलो, चलो अंकल जी के पास। पहले भी लाया था ना मैं, बड़े प्यार से पाला, मर गया, मेरा बहुत ही दुख हुआ। हुआ क्या आपको? मेरे पड़ोसी है ना, मैं छोड़ता नहीं था, रात को छोड़ दिया, उन्होंने पॉइजन डाल दिया, तभी तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, अपने घर में रखता हूँ। अंकल जी, इसका नाम क्या रखेंगे आप? मैं जैकी रखूंगा। और अब एक और गुड न्यूज, धागा जो हमारे यहाँ 5 महीने से थी, क्योंकि उसका पैर सुअर पकड़ने वाले शिकंजे में फंस गया था और हमें काटना पड़ा था, वो पूरी तरह ठीक हो गई है। ये देख, गुड गर्ल है ना बच्चे, तो गुड गर्ल ना सोनू, फाइनली बेचारी कितने दिन हो गए थे इसको भी यहाँ रहते, है ना? इसका क्या नेम है? धागा, धागा। बाय बच्चे। हमें ये लगा था कि जब ये आई है तो ये रिसेंटली इसने बच्चे डिलीवर किए हैं, पर जब हम कल इसको देख रहे थे तो हमें लगा कि यार ये तो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसका स्पेयर सर्जरी और साथ ही में वो अबॉर्ट भी हो जाता है। आई एम श्योर इसमें कई लोगों को अबॉर्शन उससे बुरा लगे, पर वो बच्चे पैदा हों और रुलें और मरें, उससे बेहतर है कि अबॉर्शन हो जाए। वो जो यहाँ पे पपीज डंप करके गए थे उसमें से ऑलरेडी एक पपी मर गया। जा रहे, जा रहे। ये आपकी घर में रहती है अंदर क्या? नहीं नहीं, बाहर रहती है। क्या नाम है इसका? नाम कुछ नहीं, सर, रखा ही नहीं कोई। थोड़ा खोलना और फिर बंद कर देना ना, क्योंकि हमारे डॉग भाग सकते हैं। ओके जी, नाम तो रखना चाहिए आपको इसका, और सबसे नाम से ही तो पहचान है। हमारा जो हॉस्पिटल में काउ शेड है, फ्लोरिंग छोड़ के काफी हद तक तैयार है। ऊपर जो भूसे की स्टोरेज है वहाँ पे भी बस दरवाजे लगने हैं, वैसे तैयार है। इनफैक्ट जो उस दिन हमें सूखी घास की डोनेशन आई है वो हमने यहीं पे रखवाई है। फिलहाल तो हमें ये है कि भाई हम अप्रैल में यहाँ पे इसको फिनिश करें और यहाँ पे मूव हो पाए। केनल्स भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं, सिर्फ डॉगी डोर्स लगने रह गए हैं, और इस समय वो बन रहा है यहाँ पे सेप्टिक टैंक, क्योंकि जैसे शहरों में तो वो म्यूनिसिपैलिटी की पाइप्स आती है ना जिसमें सीवेज चला जाता है, हमें यहाँ पे अपना खड्डा बनाना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा नहीं है? हाँ, जेसीबी ने आके खोदा है तो, लेकिन जो पत्थर जेसीबी नहीं निकाल पाएगा वो मैनुअली टूट रहे हैं। नमस्ते भैया। और फिर यही पत्थर जो है उसी की चुनाई हो जाएगी, चुनाई एज इन जो दीवारें बनेंगी, तो वो उसी पत्थर की ये दीवारें बन जाएंगी। ये स्किल वाला काम है, दिस इज लाइक, देखो गिरना मत बस तुम। वैसे तो सब कुछ ऑन ट्रैक है, पर कल अस्पताल में एक छोटा सा हादसा हो गया। किसी को चोट नहीं लगी, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर विस्तार से हम आपको अगली बार बताएंगे।